हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिम पर। और मैं आज लेकर के आया हूँ माइंड मैप कह सकते हैं या फिर वन शॉट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और आपके बोर्ड के लिए जो दिसंबर में होने वाला बोर्ड है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। अभी तक 2 वीडियो हमने पब्लिश पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पर, और उम्मीद करते हैं आप इसका प्रॉपर नोट बना रहे होंगे, क्वेश्चंस देख रहे होंगे, है ना, और उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आज देखते हैं, कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं की है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अपने सारे दोस्तों को ये सारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और आपके दोस्तों को भी हेल्प हो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आज का हमारा पहला यानी चैप्टर ये है हमारा इस टॉपिक पर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। तो सबसे पहले 2 चार्जेस के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो वैसे 2-3 चीज हमें पता होनी चाहिए, है ना। पहला है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़े हो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करनी है यहाँ पर। पहला ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, अगर एक सिस्टम पर जितना भी नेटवर्क हो रहा है, वर्क नेट ड्यू टू ऑल फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, यानी कि बेसिकली क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। यानी कि अगर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू वर्क नेट, तो कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ये बात हम लोग को पता है। पहला बात समझा, क्या हम ये बात भी जानते हैं कि अगर एक बॉडी है, है ना, उस पर अगर हमने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है और इसके कारण हमने इसको dx से डिस्प्लेसमेंट करवा दिया है, या फिर dr डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं यहाँ पर, है ना, dr डिस्प्लेसमेंट करवा दे रहे हैं हम, x नहीं लेना चाहते क्योंकि हम तीनों ही डायरेक्शन में बात करना चाह रहे हैं। r मतलब पोजिशन वेक्टर होता है ना, तो पोजिशन में हमारे पास x y x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। इस कारण से हम यहाँ पर r पोजिशन में चेंज करवाए, किसी डायरेक्शन में r से हमने थोड़ा सा dr मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने करवा दिया। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाने का जो वर्क होगा हम उसको क्या कहेंगे, एफ डॉट dr। और अगर नेटवर्क टर्म निकालना क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया हमारा वर्क। और हमको एक बात और पता है यहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि सिस्टम का जितना वो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है और शुरुआत में जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो यू एफ प्लस में के एफ के इक्वल होगा। मतलब शुरुआत में जितनी सिस्टम की एनर्जी है उतना ही बाद में भी होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई आई इज इक्वल टू ई एफ, है ना, नेट। तो यहां से अगर हम यूज करें इसको ऐसे करके, यू आई माइनस में यू एफ इक्वल टू के एफ माइनस में के आई हो जाएगा, और यू आई माइनस में यू एफ क्या, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी कि क्या होगा, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। तो हम हैंस लिख सकते हैं यहां से कि जो वर्क डन होगा वो हमारा निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर। ये पूरे टॉपिक में बेसिक सी बात ये रहने वाली है कि एक सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने वाला है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होने वाला है, और वर्क कौन कराएगा, फोर्स, और उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा देंगे, बस इतना ही, है ना। तो चलो अगर हम यहां से देखें तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर, निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर के, समझ में बात। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर आ जाएगा यहां से। और अगर हम यहां से एक दो बात और लिख सके, एक सेकेंड, है ना, यहीं पर लिख लेते हैं। तो एफ को क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ du by dr, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, ये यही साथ आता है, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होता है, निगेटिव ऑफ du by dr के इक्वल आ जाता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हम लोगों ने यूज कर लिए। अगर हम इसी में अगर कहेंगे फोर्स वेक्टर के रूप में लिख करके दिखाओ, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में डेल u by डेल x i कैप, माइनस में डेल u by डेल y j कैप, माइनस में डेल u by डेल z, और ये हो जाएगा k कैप। ये तीनों ही डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, यानी कि अगर हम देखेंगे कि x डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो हमने x के रिस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देना है, उससे हमको x डायरेक्शन का आ जाएगा फोर्स।
उसी तरह से वाई में भी डी बाई डी और जेड में भी डी यू बाई डी जेड आ जाएगा। मैंने डकार थोड़ा ज़्यादा मार लिया, चलो ठीक है। दो चार्ज है अगर मान हमारे पास है ना, अगर मान लेते हैं क्यू वन चार्ज है और दूसरा चार्ज क्यू टू है और दोनों ही सेपरेटेड है आर से, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है वो हम लोग को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर आ जाता है, ये हमको पता है ना। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये क्या हो गया बता दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। बात समझ में आया। अभी यहां पर मान लो कि अगर हमने एक ट्रायंगल यूज किया है और कहा कि इस ट्रायंगल का बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, ठीक है, इस ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक क्यू चार्ज रख दिए, यहां पर भी एक क्यू चार्ज रख दिए, यहां पर भी एक क्यू चार्ज रख दिए, या फिर है ना ऐसी सिस्टम बना लिया और एल इसका सेपरेशन है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसके लिए काम करेंगे पेयर बना लेंगे है ना, इन दोनों का एक सिस्टम बना लेंगे, फिर इन दोनों का एक सिस्टम बना लेंगे है ना, फिर इन दोनों का एक सिस्टम बना लेंगे। बात समझ में आ, अगर हम इसका नाम ए कर दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम सी कह देते हैं, तो अगर हम यू नेट निकालेंगे इसका तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे यू ए बी का, फिर यू बी सी का, अब फिर यू ए सी का, यानी कि हमने दो दो चार्ज का पेयर बना लेना है ना, जितना सारे पेयर बन सकते हैं उन सारे ही पेयर के कारण हमको इंट्रैक्शन दिखेगा दो चार्ज के बीच में, इससे हमको उस सिस्टम का नेट पोटेंशियल दिया जाएगा। बात समझ में, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास वो तो ए और बी मिल करके कौन सा पोटेंशियल बना रहा था, के है ना, इसी चीज को के भी कह सकते हैं ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको के भी बोलते हैं, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, जिसका वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पता है ना ये सारी चीजें, चलो ठीक है। तो के क्यू वन क्यू टू यानी दोनों तो क्यू ही है, क्यू क्यू, अब भाई दोनों डिस्टेंस एल, फिर उसी तरह बी सी में भी सेम आ रहा है क्या, के क्यू क्यू बाय एल प्लस में के क्यू क्यू बाय एल, तो बेसिकली हो गया 3 के क्यू का स्क्वायर बाय एल, दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया बात, तो कैसे हम तीन चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे ये हमको पता चल चुका है। अगर हमको उसी तरह से यहां पर बोल दिया कि फोर चार्जेस हैं, कितने चार्ज हैं हमारे पास, इस पर फोर चार्जेस है, एक एज्यूम कर लेते हैं यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, अगर हम माइनस वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं ले लेना है ना, ऐसे बना लिए, बाकी तो समझ में आना ही चाहिए तुम लोग को। यहां पर चार्ज अगर माइनस में लिया हुआ है तो हम उसके साइन के साथ यूज करेंगे है ना, ये बात याद रखना, छोटा सा ए है, इस पॉइंट को बी कर देते हैं, इसको सी कर, इसको डी कर देते हैं। अब इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे कैसे, तो यू लिखने के लिए हम पहले पेयर्स बनाएंगे, तो देखो तो ए बी का एक पेयर बनेगा है ना, ये देख लो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, फिर बी सी का एक पेयर बनेगा, फिर सी डी का पेयर बनेगा, फिर ए डी का, अच्छा डायगोनली अपोजिट का भी पेयर बनेगा ना, ऐसे ऐसे ए सी और बी डी, बात समझ में आएगी नहीं यार, इस तरह से हमारे पास छह पेयर बनेंगे यहां पर, इसमें छह पेयर बने, इस बात को याद रखना है। तो कैसे कैसे हमने बनाया, यू ए बी बनाया, फिर यू बी सी बनाया, फिर यू सी डी बनाया, फिर यू ए डी बनाया, फिर यू ए सी, फिर यू बी डी बना लिया। अगर हम ए बी के बारे में बात करते हैं, ए बी का क्या हो जाएगा पढ़ना चाहिए, तो सर के क्यू, दूसरा भी क्यू ही है, अब बाय डिस्टेंस एल है, बी सी वाले में देखो तो क्या है सर के क्यू और दूसरा चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस के साथ लिखेंगे एल, फिर सी डी वाले में दिख रहा है दोनों ही माइनस, तो दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे माइनस क्यू और दूसरा भी माइनस क्यू है बाय एल, समझ में आया, और फिर इन दोनों का और ऐड करना है के क्यू माइनस में है ना डी और ए के बीच में के क्यू क्यू बाय एल हो जाएगा। अब डायगोनली अपोजिट वाले का यूज करते हैं, तो प्लस में के क्यू इंटू माइनस क्यू बाय एल रूट टू है ना, डायगोनली अपोजिट वाले एल रूट टू हो जाएगा, और यहां पर भी के क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला माइनस क्यू दिख रहा है ना, के क्यू और माइनस क्यू बाय एल रूट टू ये आ जाएगा यहां से। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। अच्छा एक चीज देखोगे यहां से, तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल तो सब में आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सब जगह आ ही रहा है, तो जो जो कॉमन आ रहा है निकाल। अच्छा एक चीज देखो, कट भी तो रहा है क्या, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो बाद में देख लेंगे ठीक है। यहाँ तो देखो के क्यू का स्क्वायर बाय एल तो बाहर आ गया, तो वन लिख लेते हैं,
यहाँ से क्यू का स्क्वायर बाय एल बाहर आ गया, तो यहाँ से माइनस वन आ जाएगा, है ना। यहाँ से माइनस वन माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में वन, यहाँ से देखो तो माइनस में वन आ रहा है, यहाँ से देखो तो माइनस वन बाय रूट टू आ रहा है ना, और यहाँ भी माइनस वन बाय रूट टू ही आया। देखो तो ये कट गया है ना, ये और ये भी कट गया, तो बेसिकली आ गया क्या, माइनस में टू बाय रूट टू है ना, तो माइनस में टू बाय रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाय एल, और ये तो कट गया ना जी, माइनस में रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाय एल, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। बात समझ में आया कैसे हमने सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाला, एक सिस्टम का दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, है ना। बस यही था छोटा सा चीज, सपोज कर लेते अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर एक चार्ज हमने ले लिया क्यू, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं यहां पर हमने टू क्यू कर लिया और यहां पर हमने कर लिया थ्री क्यू कर लिया, ये वो माइनस कर देते हैं, और इसका जो लेंथ ले लेते हैं ये मान लो तो थ्री ले लेते हैं, इसको करते हैं फोर ए लेंथ कर देते हैं ऐसे, है ना। ये थ्री ए लेंथ है यहां से यहां तक का, और ये फोर ए लेंथ है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या आप बता सकते हो ये लेंथ कितना होगा, है ना। ये देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का लग रहा है क्या, थ्री ए है ये फोर ए है, तो इसको फाइव ए कह सकते हैं, हाइपोटेनियस है ना, हिपोपोटामस नहीं हाइपोटेनियस है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस वाला से हमने ये निकाल लिया। अगर हम एक दो चीज और इसमें इंट्रोड्यूस कर सकें तो हम ये यहाँ से नाम लिख लेते हैं इसको ए बी सी कह देते हैं, और अगर हमको इसका कहा पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ तो हम ऐसे बता सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ए बी का फिर बी सी का एक पेयर बनेगा फिर ए सी का बनेगा ना, ज्यादा गंदा नहीं करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। तो यू ए बी प्लस में यू बी सी प्लस में यू ए सी, है ना। तो ए बी का क्या आ जाएगा, तो के यहां से आ गया टू क्यू, यहां पर दिख रहा है क्यू बाय डिस्टेंस थ्री ए, प्लस में के इसका हो गया टू क्यू, इसका हो गया माइनस में थ्री क्यू और डिस्टेंस फाइव ए, और प्लस में के क्यू माइनस में थ्री क्यू और बाय डिस्टेंस फोर ए आ गया यहां से आंसर। इसको सॉल्व कर लेना है आ जाएगा आंसर इसमें से, देखो तो क्या क्या दिख रहा है, के क्यू का स्क्वायर बाय थ्री है ना, अब माइनस में सिक्स के क्यू का स्क्वायर बाय फाइव, आई थिंक नीचे में ए छूट गया था, हाँ माइनस में के क्यू का स्क्वायर बाय फोर ए, ऊपर में थ्री भी दिख रहा है हमको, बाकी एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लेना इसको, है ना। तो समझ में आ गया बात, तो ज्यादा कुछ करना है नहीं, के क्यू का स्क्वायर बाय कॉमन ले लेंगे तो यहां से जाएगा सॉरी टू बाय थ्री माइनस में सिक्स बाय फाइव माइनस में थ्री बाय फोर, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे ये तुम्हारा काम रहा, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बताओगे ही कैसे। चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो चार्ज अगर दिया हुआ रहेगा तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसे निकालेंगे, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर से। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि एक सिस्टम है उसके सिस्टम के ओरिएंटेशन को हमने बदल दिया, यानी कुछ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिए, तो छेड़छाड़ करने में कितना वर्क लगेगा, एकदम सिंपल से देखो। इसलिए हम ये पहला फॉर्मूला हम इसीलिए लिखा है, ये वाला ये जो फॉर्मूला लिखा है ये इसलिए लिखा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होने या वर्क डन जो होता है वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंडीशन है। तो चलो ठीक है इसी सवाल को यहां से लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक चार्ज क्यू है, यहां पर क्यू ही है और यहां पर भी थ्री क्यू है ऐसे, या चलो ठीक है यहाँ पर टू क्यू कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये डिस्टेंस एल मान लेते हैं, ये भी एल है, तो ये डिस्टेंस हमको पता है कि एल रूट टू हो जाएगा, बस हो जाए। इसको हम ऐसे सोच लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। मेरा सवाल ये है कि अगर हम ए वाला चार्ज को उठा करके है ना यहाँ भेज दिए, कहाँ यहाँ है ना, एल डिस्टेंस आगे, तो इसको उठा कर किसी भी तरीके से है ना उठा के वहां तक लेके गए एल डिस्टेंस और आगे, तो कितना काम करना पड़ेगा, समझ में आया बात सवाल कैसे बनाएंगे। तो एकदम सिंपल सा काम करना है, शुरुआत में जो सिस्टम दिख रहा है उसका पोटेंशियल निकालो, बाद में जो सिस्टम डेवलप होगा उसका पोटेंशियल निकालो, और दोनों के डिफरेंसेस निकाल लो, हमको निकल जाएगा वर्क डन, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल के बराबर है ना। तो बेसिकली वर्क किसके बराबर हो जाएगा, यू आई माइनस में यू एफ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हम इस तरह से निकालेंगे है ना, यू एफ माइनस में यू आई नहीं होगा, निगेटिव ऑलरेडी है, तो हमको निकालना है पहले यू आई है ना, तो यू आई यूजर इंटरफेस, अरे ये कंप्यूटर क्लास थोड़ी ना है, के क्यू क्यू
है ना, के क्यू का स्क्वायर बाय एल लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक, तो के क्यू इंटू टू क्यू, तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, टू के क्यू का स्क्वायर बाय एल, और इसका हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर, टू के क्यू का स्क्वायर बाय एल रूट टू, यहाँ से आ गया ये बात समझ में। इसको सॉल्व अगर करने तो बाद में रहने देते हैं यू आई, बाद में यू एफ के बारे में बात कर लेते हैं, घटे उठे का ही देखना ध्यान से अभी। बाद में सीन क्या हो जाएगा सर, बी तो यहीं रह जाएगा, सी भी यहीं रह गया है टू क्यू, लेकिन ये वाला यहां पहुंच चुका है क्यू। अब जो सिस्टम बनेगा वो हो गया ए, सॉरी यहां पे बी था, यहां सी था, अब यहां पर ए आ चुका है। अब जो निकालेंगे यू एफ कैसे निकालेंगे, के बी और सी का सिस्टम क्या हो जाएगा, देखो तो के क्यू और टू क्यू, यानी टू के क्यू का स्क्वायर बाय एल अभी भी है, बी और सी का बन गया हमारे पास, सी और ए का बताओ प्लस में के टू क्यू और क्यू, यानी कि टू टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाय एल हो जाएगा इसका भी, और अभी तो इसका और इसका पेयर एक बनेगा ना ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे, तो बी और ए वाले का तो प्लस में के क्यू स्क्वायर बाय आई थिंक टू एल आ जाएगा यहां से, और अगर हम दोनों को सब्सट्रेट कर लेंगे तो हमको वर्क निकल जाएगा। तो वर्क कितना निकलेगा बताओ, तो यू आई माइनस में यू एफ करके, तो इसमें इसको सब्सट्रेट कर लेंगे तो यहां से आ गया देखो तो टू के क्यू का स्क्वायर, और यहां पर भी एक है ना दिख रहा है, तो थ्री के क्यू का स्क्वायर दिख रहा है बाय एल, प्लस में टू के क्यू का स्क्वायर बाय एल रूट टू, में इसको सब्सट्रेट करेंगे तो टू और टू फोर हो गया है ना, तो फोर के क्यू का स्क्वायर बाय एल माइनस में के क्यू का स्क्वायर बाय टू एल, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहां से देखो तो कितना आ गया, यहां से इसको सब्सट्रेट कर लेंगे तो फोर में से वन चला गया है ना, तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल आ जाएगा माइनस में, और यहां पर भी दिख रहा है, एक काम कर लेते हैं कॉमन ही ले लेते हैं जल्दी समझ में आ जाएगा है ना, के क्यू का स्क्वायर बाय एल तो हम कॉमन ही ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो हमको दिखेगा माइनस में वन, अब प्लस में के क्यू का स्क्वायर, यहां पर से रूट टू आ जाएगा प्लस में ना, रूट टू से ये कट गया ना रूट टू टाइम्स में, और यहां पर आ जाएगा माइनस में वन बाय टू, तो बेसिकली जो भी आया आंसर तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल, और यहां से गया रूट टू, और टू और वन माइनस में थ्री बाय टू, दैट्स योर आंसर। बात समझ में आया, अगर एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है तो सिस्टम को ओरिएंटेशन को किसी तरह से चेंज करेंगे तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वही पूछा था कैसे निकालेंगे, तो पहले इनिशियल सिस्टम का निकालो पड़ना चाहिए, बाद में निकाल लो सॉल्व कर लो है ना। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है इसमें कि एक क्यू है दिया हुआ, यहाँ पर भी एक क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक क्यू दिया हुआ है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, कहना ये चाह रहा है ये सवाल में कि पहले तो बाद में कहेगा एल है ना, इसको उठा करके यहाँ भेज दिए है ना एल डिस्टेंस आके, तो बाद में सोचो क्या होगा, ए तो यहीं रह जाएगा ना, ये वाला भी यहीं रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ए वाला यहाँ रह गया, सी यहाँ रह गया, बी यहाँ पहुंच चुका है, तो क्या निकालेंगे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इस दोनों का सिस्टम, फिर इस दोनों का सिस्टम, ये दोनों का सिस्टम, आई थिंक ए और बी वाले का तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल हो जाएगा है ना, तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल, अगला वाला भी तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल ही होगा, अब प्लस में के क्यू का स्क्वायर बाय एल ही होगा, बेसिकली थ्री के क्यू का स्क्वायर बाय एल होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक। और अगर हम फाइनली निकालेंगे तो फाइनली दिख रहा है के क्यू का स्क्वायर बाय एल, ये तो एल एल डिस्टेंस है, तो के क्यू का स्क्वायर बाय एल, फिर से के क्यू का स्क्वायर बाय एल, और प्लस में के क्यू का स्क्वायर बाय नीचे में हो जाएगा टू एल है ना, अगर हम ए और बी को लेंगे इस हिस्से को ऐसे तब हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बाय टू एल है ना, यहाँ से तक का डिस्टेंस टू एल है, तो बेसिकली आ गया यहाँ से देख लो कितना टू टू फोर वन फाइव, 5KQ का स्क्वायर बाय 2L आ गया। अगर हमको वर्क निकालना है तो Q सॉरी UI माइनस में UF लिखना पड़ेगा, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 3KQ का स्क्वायर बाय L माइनस में 5KQ का स्क्वायर बाय 2L आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व अगर करेंगे तो हमारे पास कितना दिख रहा है, 3 में से 5 बाय 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना बचेगा KQ का स्क्वायर बाय 2L आंसर। बात समझ में आ गया कैसे बनाए, सिंपल था जैसे पहले बनाए थे वैसे अभी बना दिए। आगे है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहा है। तो एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक न्यूक्लियस है ना, या फिर कोई एक बड़ा सा चार्ज है जो कि यहाँ पर से मैंने रिजिड रखा हुआ है, एक कैपिटल क्यू मान लेते हैं, और यहाँ से एक चार्ज को है ना शुरुआत में क्यू चार्ज को
जिसका वजन एम है, कुछ एनर्जी दे करके हम फेंके हैं, है ना, इसके पास कुछ एनर्जी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लो कि कुछ है ना, के है या फिर ई है, मान लो है ना ई है एज्यूम करके, इस एनर्जी से हम क्या केस को फेंके हैं, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस ही है, प्लस प्लस बोलो क्या होगा सीन, ये यहाँ से रिजिडली फिक्स्ड है ना, एक कंडीशन हम बता रहे हैं जो कि आगे रदरफोर्ड के न्यूक्लियस के लिए हेल्पफुल होगा, है ना, उसमें भी देखेंगे। अच्छे समझ लो, शुरुआत में अगर हम इसको उधर फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, बुला लेगा, कहेगा कि आ तो रहे हो, जितनी जल्दी हो सके इधर से निपट लो, है ना, दूर हट जाओ, बात समझ में आया, तो ये सीन आ जाएगा यहाँ से। तो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना, इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बात समझ में, जिस रास्ते से आ रहा था, है ना, यहाँ से ये जो चार्ज चला था, है ना, इसको सोचा कि हम घुस जाएंगे उसमें, तो ये इस रास्ते से आया और ये बोला कि एकदम निकल लो यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा हुई आ जाएगा, है ना। तो ये तो कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करना है, एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल कर देना है, बस इतना ही। एनर्जी शुरुआत में कौन कौन लगाया था, यू आई प्लस में के आई इक्वल टू यू एफ प्लस में के एफ हो जाएगा, और हमको पता है कि इनिशियली काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर से फेंका जा रहा है ना, तो इनिशियली कुछ नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, तो हमने कह दिया ई है इसके पास शुरुआत में। यू एफ क्या होगा, सोच के देखो, जब चार्ज यहाँ पर पहुंच चुका होगा, जब चार्ज यहाँ होगा, जब चार्ज यहाँ से मूव करते हुए, ये पॉजिटिव मूव करते टूंग करते हुए यहाँ पहुंचा, है ना। तो अच्छा एक और बात, यहाँ पर मोमेंटली रेस्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई चार्ज अपना रास्ता बदलेगा, जिस जगह पर रास्ता बदले वहीं पर रुक जाएगा वो, है ना, उस समय मोमेंटली रुका ही होगा, उस समय ऐसा कैंडिडेट फाइनल तो तुम कहोगे जीरो है। यू एफ के बारे में बताओ, के इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस हो गया जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। देखो तो डी का वैल्यू क्या निकला, के क्यू क्यू बाय ई आ गया, क्या इसके को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बात समझ में आया कि कुछ कष्ट है। डी क्या हो गया बोलो तो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर एनर्जी जो रहेगा, ये जो इनिशियल एनर्जी है, ये रहेगा मान लो कि इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बात समझ में। ई मतलब पता है, ई 1.19 कूलम, ना, तो वैसे रहेगा। तो सवाल जब रहेगा तो हम उसको सवाल को देख लेंगे, अभी थ्योरी था इतना, है ना, कॉपी कर लेना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हमको पता है भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमको पता है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इसके कारण यहां पर किसी आर डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना होगा, इतना होता है ना, ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लो कि यहां पर से अगर हमने एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पर भी एक क्यू रखा है, यहां पर भी एक क्यू रखा है, अगर सेंटर पर बताओ कितना वोल्टेज होगा, है ना, तो ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। अब अक्सर देखो सवाल में क्या दे देगा तुमको, साइड ऑफ ये ट्रायंगल दे देगा, ये भी दे देगा एल, ये भी एल दे दिया, तो ये लेंथ कितना होता है, एकदम याद रखना है, ये जो लेंथ होता है एल बाय रूट थ्री होता है, याद रखना है एकदम ऐसे करके, एल बाय रूट थ्री होता है तो होता है, कैसे होता है, तो इसके लिए एकदम दो तीन चीज़ है, प्रूफ प्रूफ तो कर ही देते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखो, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा, इसको कहोगे 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये हमारा एल बाय टू है, बोलो सही है, बात समझ में। अब इस दोनों में कौन सा लगाओगे रिलेशन, कॉस थीटा का, यानी कॉस, सॉरी 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 सॉरी, कॉस 60 नहीं, कॉस 30, 30 है ना, तो कॉस 30, ठीक है, अगर हम इसको एक्स कह देते हैं, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय टू एक्स, तो हमको एक्स ही तो पूछा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस 30 वैल्यू रूट 3 बाय 2 होता है, तो ये कट गया क्या, देखो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एल बाय रूट 3, बात समझ में, ये याद रखना है वैसे कि कितना होगा ये। खैर हमको कह रहा है एक वोल्टेज बताओ सेंटर पर, इसके एकदम बीचों बीच में वोल्टेज कितना होगा, तो सर इसके कारण बता दीजिए वोल्टेज कितना है, इस कारण बता दीजिए, इस कारण बता दीजिए, तीनों का जोड़ दीजिए, कहानी खत्म, है ना, बात समझ आया, के क्यू बाय एल बाय रूट 3। फिर हम थोड़ा तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो
तो थोड़ा कम से कम नोट डाउन करोगे, इतना बात पता रहना चाहिए। तो बेसिकली हो गया 3√3 K³/L, है ना, इतना हो गया वोल्टेज सेंसर। बात समझ में आया? क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है इसमें, है ना, और ये बस इतना ही नहीं कि मतलब फोटो बना दो छोटो, बहुत कुछ हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं ना, ताकि थोड़ा अच्छे से रिकॉल हो जाए ढंग से, है ना, जितना पढ़े हो। ठीक है, तो थोड़ा ईमानदारी से कॉपी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास चार को चार्ज दे दिया, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। कह रहा है कि सेंटर बताओ वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज एट सेंटर? सर K³ है ना, यहाँ से मान लो कि ये मान लो अब आर ही मान लेते हैं, K³ होगा, चार गो है, चार से मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आया? इतना ही हो जाएगा ना, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ K³ R। यहाँ पर भी मान लो क्यू 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 है, तो मतलब अब तो इजी हो गया, है ना, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से तक डिस्टेंस आर है सबका सेंटर से। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस आर वगैरह दिए हुए हैं, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ K³ का, सॉरी सर, सर K³ का स्क्वायर नहीं, KQ, है ना, 5 टाइम्स ऑफ K³ R, है ना। भावनाओं में बह जाते हैं, है ना जी, कोई दिक्कत है? अगर हम इसके बारे में पूछें कि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, थोड़ा बदल लेते हैं, बार बार कहते हैं कि चीज़ बनाओगे, है ना, प्लस में क्यू है, कह रहे हैं यहाँ बताओ, इसका डिजाइन एल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, सारे ही साइड एल हो जाते हैं, ये तो पता होना चाहिए रेगुलर हेक्सागोन के लिए। तो वोल्टेज अगर पूछेगा तो कहोगे सर K³/L, है ना, फिर दूसरे का भी K³/L, तीसरा भी K³/L, है ना, चौथा लेकिन हो जाएगा माइनस, है ना, देखो ध्यान से, K-Q/L, ये भी हो जाएगा प्लस के माइनस में Q/L, और अगला हो गया K³/L। तो देखो ध्यान से, माइनस वाला तो गया और ये भी गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 K³/L आंसर। बात सुनिए ना, एकदम भावनाओं में बाहर नहीं जाना है सर, 6 होगा, 0 भी हो सकता है, अगर गलती से 3 को पॉजिटिव हो जाता तो 2 और कट जाता। बात समझ में आया? हाँ, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि रिंग के कारण हमको बताओ वोल्टेज कितना होगा, है ना, तो रिंग के कारण कैसे नहीं, बहुत आसान है, छोटा सा चार्ज काट लो, इसको बोल दो DQ, सही है क्या? ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो इसमें यहाँ बोल दिया वोल्टेज कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √R² + x² होगा, कुछ थोड़ी ना होगा, कुछ नया ये होगा जी, पाइथागोरस का थ्योरम लगा लोगे तो आ ही ना जाएगा ये वाला लेंथ। अगर कह दिया वोल्टेज बताओ, तो छोटा सा वोल्टेज क्या हो जाएगा सर? के, छोटा सा चार्ज DQ ले लिए हैं, इतिसा का चार्ज, और ये डिस्टेंस हमको पता है √R² + x² है। अगर नेट वोल्टेज निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? बस इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डीवी को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ K DQ √R² + x² कमाल का बात, यही कि तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये भी तो कांस्टेंट है। सोच के देखो, रिंग से डायगोनली अपोजिट पॉइंट से डिस्टेंस हर जगह सेम होगा ना, √R² + x² भी अगेन सेम कॉन्स्टेंट हो गया, तो √R² + x² बाहर आ गया, अंदर में बच गया सर DQ, और DQ क्या होगा, मान लो सर टोटल चार्ज Q है, तो क्यू किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू के बराबर, क्योंकि छोटा छोटा चार्ज तोड़ोगे तो क्यू ही आएगा। तो हमारे पास आ गया K³√R² + x² ये हो गया भी, समझ में बिल्कुल नहीं आया, आ गया गजब। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर के कारण, सारे हम सिर्फ फॉर्मूले लिख देते हैं, डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, और हमको पता है कि लिखा है कंडक्टिंग, क्या लिखा है? कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग लिखा है तो बहुत अच्छी बात, खुश हो जाते हैं हम लोग, है ना, धमाकेदार वाली बात हो गई, सारा ही चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, धमाका गूंज होगा, विस्फोट हो जाएगा। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? सारा ही चार्ज सरफेस पर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इससे क्या होगा? हमको पता है एक दो बात, कि सबसे पहले तीन चार बात पता होना चाहिए कि ये आउटसाइड है ना, यहाँ से तक का डिस्टेंस हमने आर लेना होता है। ठीक है, तो पहले भी आउटसाइड कितना होता है, तो हम बोलते हैं सर इस पे मान लो क्यू लिखा हुआ है, तो K³/R, बाहर में एकदम K³/R, सारा चार्ज को एज्यूम करेंगे सेंटर पर है, सरफेस पर बोलो कहाँ से लिखोगे? सरफेस पर, तो K³R। और अगर हम पूछेंगे भी इन साइड जो होता है वो भी एट सरफेस के ही बराबर होता है, जीरो मत लिख देना, ठीक है, K³/R।
यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद रखना एक छोटा सा बात, ई इनसाइड भले जीरो होता है पिछले वीडियो में बताए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज का जो वैल्यू होता है ना उसी कारण वोल्टेज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट है। इन्हें समझ में आया, आगे समझ में आएगा, है ना। इतना बात याद रखना, पढ़े हो गए इतना तो छोटा छोटा बात पता ही होगा। सरफेस पर जितना वोल्टेज होगा उतना ही अंदर में भी होता है, अंदर में वोल्टेज जीरो नहीं होता है, याद रख लो इस बात को, है ना। तो अगर ये बात समझ गए हो तब हम एक ग्राफ बना देते हैं तो बात कुछ समझ वाली आएगी इस पूरे कहानी पे, कि अंदर में है ना, अंदर में यहाँ पर के क्यू बाय आर है, कहाँ तक, सरफेस तक, सरफेस तक वोल्टेज बराबर, लेकिन सरफेस के आगे 1/r से घटने लगा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज 1/r से घटने लगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये v और r के बीच का ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से, और ग्राफ पता होने चाहिए, एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, कुछ भी पता हो ना हो पता होना चाहिए, इतना बात, ठीक है। और अगला है हमारे पास सॉलिड वाला, है ना, एकदम सॉलिड वाला ही है, इसमें हर जगह चार्ज है सर जी, एकदम नॉन कंडक्टिंग लिख दिया, देखिए यहाँ से चार्ज बाहर नहीं जा सकता, और चार्ज बाहर नहीं जाएगा, और रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, है ना, इस पर नेट चार्ज क्यू दे दिया है। पहला बात तो सर वी आउट क्या होगा, वो तो वही होगा जो मंजूर चार्ज होगा, है ना, तो के क्यू बाय आर। और सरफेस क्या होगा सर जी, सरफेस तो होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, लेकिन अंदर में जो होता है वो तो बंदर होता है, के क्यू बाय और 2r का क्यूब 3r का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर, गजबे हो गया, ये तो हिला दिया आप, है ना। और भी एट सेंटर भी यहाँ पर कमाल ही हो जाता है, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर हो जाता है। ये छोटा सा बात याद रखना है, है ना, तीन चार बात है यहाँ पर। ये डेरिवेशन, डेरिवेशन तो पूछ ही नहीं रहा हम लोग को, फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता हो नहीं हो ग्राफ कैसा बनेगा वो पता होना चाहिए, है ना। तो ग्राफ एक बार आंख में एकदम बसा लो, यही होता है, ठीक है, भी का तो हमको पता है कि सीन क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर मान लो के क्यूब है कैपिटल आर है, ठीक है। तो कह रहे कि सरफेस से डेढ़ गुना ज्यादा है अंदर में, सरफेस से देखो, है ना, 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ बीएड सरफेस, नहीं होगा जी 1.5 टाइम्स ऑफ बीएड सरफेस, यानी कि उसे डेढ़ गुना ज्यादा, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर, है ना, ऐसा। और ये 3r² माइनस में आर स्क्वायर, ये निगेटिव पैराबोला, देखो इनवर्ट आर स्क्वायर है ना, तो इनवर्टेड पैराबोला इसे अंदर में, और फिर बाहर में 1/r से घटेगा इसे। बात समझ में आया कि नहीं आया, 1/r यहाँ पर ये इन्वर्टेड पैराबोला, निगेटिव रहेगा आर स्क्वायर में तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव रहता तो ऊपर, है ना। तो कुछ इस तरह का सीन यहाँ पर क्रिएट होगा, पास समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पोजिशन, अगला कंडीशन है हमारे पास, ये बीच में कहाँ से घुस गया, चलो ठीक है देख लेते हैं, क्या ही बताएं इसमें, हमको पता है वी बराबर क्या होता है, के पी कॉस थीटा, है ना, बाय आर का स्क्वायर, और क्या होता है, बस यही, वेक्टर नहीं लिखेंगे यहाँ पर से, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं वी बराबर, है ना, के पी वेक्टर डॉट ऑफ आर वेक्टर बाय आर का क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो जगह पी आर कॉस थीटा, कॉस रह जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो वेक्टर के रूप में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डायपोल माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू के बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी जगह पर बात कर रहे थे, यहाँ पर हमको कहा किसी थीटा एंगल पर वोल्टेज निकालने के लिए। तो अगर आप पूछे कि वी एक्सिस पर बता दो कितना होगा, तो वी एक्सिस के लिए क्या करेंगे, थीटा को हम मान लेंगे 0 डिग्री है, मतलब कि डायपोल के एक्सिस पर, यहीं पर, तो कितना होगा, अगर कॉस 0 कर लोगे तो के क्यू बाय आर का, सॉरी क्यू कैसे हो गया, पी ना होगा, पी का होता है डायपोल मोमेंट, पता है ना, के पी बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्या है बता दो तो, डायपोल मोमेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू 2L के बराबर, है ना, पता है ना, यूनिट क्या होता है, डे बाई, यूनिट क्या होता है, डे बाई, है ना, पता है ना, ये सब छोटा छोटा चीज। खैर अगर कभी इक्वेटर बता दो, तो बी एट इक्वेटर,
इक्वेटर पर जीरो, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या 90 डिग्री, तो इक्वेटर पर वोल्टेज जीरो है ना, सॉरी डैपोल कारण कुछ नहीं बनेगा वोल्टेज है ना इक्वेटर पर, लेकिन सीधे में होगा के पी बाय आर का स्क्वायर। बात समझ में आया, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर हो जाता है, ये सब तो छोटा छोटा बात है पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डैपोल के कारण हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, एक छोटा सा चीज़ है हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं इसमें, पहले हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं ताकि छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, डैपोल मान लो ये पी वेक्टर है, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पर है, तो हमको टॉर्क पता है कि पी साइन थीटा होता है, पढ़े है ना ये बात। और तो वर्क जो हो जाता है वो क्या होता है, इनसे फोर्स डॉट डी आर था ना, तो उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क वेक्टर डॉट ऑफ डी थीटा वेक्टर है ना, इसको थीटा वन से थीटा टू तक हम इसको इंटीग्रेट करवा लेंगे। तो टॉर्क मतलब क्या होगा, देखो तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा क्या, इंटू डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक इसको घुमा दे रहे हैं है ना, तो वर्क डन टू रोटेट डैपोल। तो यहाँ पर से पी ई साइन थीटा की जगह पे वो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा हो जाता है ना, तो बेसिकली लिख देंगे क्या, कॉस थीटा वन माइनस में कॉस थीटा टू है ना, थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाए, तो माइनस ऑलरेडी ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो वर्क का फॉर्मूला इतना हो गया। ठीक है, कह दिया कि बताओगे 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाने में, तो थीटा वन की जगह पर जीरो रखना है और 90 डिग्री तक, मतलब थीटा टू के जगह 90 डिग्री कर लेना है, तो कितना वर्क होगा, समझ में आ गया बात। और हमको एक बात और पता है कि जो वर्क होता है वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है। आप समझा बात, क्या हम लिखना चाह रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव ओवर डन, तो उसका उल्टा कर दो, तो पी है ना तो कॉस थीटा टू माइनस में कॉस थीटा वन। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा है ना फॉर्मूले पता होने चाहिए है ना। चलो ठीक है, अब लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ये ऐसा सरफेस है जहाँ पर कि वोल्टेज सेम होता है। जैसे अगर मान लो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ना एक दो छोटे छोटे पॉइंट याद रखना कि इफ वी है ना मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड मूव अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये बात समझा, ठीक है, पहला बात तो ये पता हो गया। एक दो बात और पॉइंट्स में रखना है हमको, क्योंकि हमको पता है कि यू का वैल्यू होता है क्यू इंटू भी, पढ़े तो हो गई, इतना इतना तो पता ही होगा है ना, तो भी बराबर हो गया यू बाई क्यू है ना। एक और बात पता है हम लोग को कि जो क्यू हो, सॉरी यहां से यू लिख सकते ना माइनस में इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर है ना, तो माइनस में एफ बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है क्या, तो क्यू डॉट डी आर वेक्टर, तो क्यू को इधर भेज देंगे क्या, यू बाई क्यू इक्वल टू क्या, माइनस में ई डॉट डी आर वेक्टर, तो बेसिकली क्या बचा, तो भी बराबर हो गया चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चलिए पोटेंस है जी, तो माइनस में ई डॉट डी आर आ जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, क्लियर है, यहाँ से इससे निकल गया चेंज इन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये इस तरह से एक सीन बन जाएगा इसमें। अब सोच के डॉट प्रोडक्ट है, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया, यानी कि अगर हम चार्ज को उठा करके 90 डिग्री पर इधर की तरफ भेज दें, तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज होगा, बात नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से, हम ऐसा सोचें अगर हम ये कह दें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, देन चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि भी इनिशियल जो है माइनस भी फाइनल वो भी जीरो, यानी कि भी इनिशियल भी फाइनल के बराबर हो गया। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में आया बात कि नहीं आया, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा बी बराबर माइनस में ई इंटू डेल्टा आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा आर का निगेटिव है ना। तो यही है कहानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमको वोल्टेज सेम मिलेगा, और ऐसा सरफेस जिसके लिए वोल्टेज सेम हो
हम उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सरफेस जिसके लिए वोल्टेज सेम हो हर जगह, है ना, उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। लोकस मतलब पाथवे कह सकते हो, किसी भी पॉइंट का जिसमें कि हर जगह वोल्टेज सेम हो जाए, हम उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आया? ये छोटा सा प्रॉब्लम, सवाल आएगा तो हम इसको डील कर लेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा मटेरियल है जिसके कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है, बराबर भी नहीं होता है, ऐसे बॉडीज को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसे होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है, ऐसे ही मीडियम को डायरेक्ट, यानी मीडियम के साथ में जो बॉडी है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह सकते हैं ना। यहाँ पर ये बात दिमाग में रख लेना है। अब एक दो चीज़ है यहाँ पर डायरेक्ट्रिक के बारे में, हम कल भी पिछले क्लास में भी कुछ बात बता रहे थे, वही बात आज भी हम दोहरा ही देते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं कहने को। ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पर हम प्लस चार्ज दे रहे हैं, है ना, इस पे हम माइनस चार्ज दे रहे हैं ऐसे करके, और इसके बीच में हम एक ऐसा मीडियम हम रखना चाह रहे हैं, है ना, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, छोटा सा निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम निगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? सोच के देखो, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर जा रहा होगा ना, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो तो इधर से निकल करके इसमें घुस जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे आराम से। और इस प्लस से माइनस भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ऐसे, प्लस से माइनस की तरफ, और इस प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पहुँच रहा होगा। बात समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे देखो, हम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं सिर्फ, तो कुछ दिख रहा होगा सीन कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ कम कर दिया। बात समझ में आएगी ना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर मान लो कि इनोड है, अंदर में ई इंड्यूस कर गया है, बस में थोड़ा कम हो गया ये अंदर में। ठीक है, अंदर में जो ये जो ऐसे करके उल्टा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इधर अंदर में डायलेक्ट्रिक के अंदर में, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या कहते हैं उसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका वैल्यू कितना होता है? जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट वन माइनस वन बाय के, और के है बेसिकली डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और के का वैल्यू जो है, सोच के देखो, अगर वन हो जाएगा किसके लिए? इंसुलेटर के लिए, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाए ही नहीं, है ना, सॉरी अंदर में, हाँ, इंड्यूस नहीं करेगा इंसुलेटर के लिए। अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, तब जा करके ई इंड्यूस ई नॉट के बराबर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? कंडक्टर के लिए। किसके लिए होगा? कंडक्टर के लिए, यानी कि सारा ही चार्ज इस कंडीशन में ही सिर्फ और सिर्फ ऑल चार्ज एपियर एट द सरफेस। ठीक है, और ये हो गया ई इंड्यूस। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, तो अगर हमको ये बात पता है तो हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा जो इंड्यूस किया है वो बाहर वाला का जो सिग्मा नॉट है, यहाँ मान लेते हैं सिग्मा नॉट है, यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस किया है, यहाँ प्लस में सिग्मा इंड्यूस किया है, यहाँ पर माइनस में सिग्मा नॉट है ना। तो बाहर में जो जिस जो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो हमने इंड्यूस सॉरी चार्ज रखा है, सिग्मा जो रखा है वो है हमारा सिग्मा नॉट, जो इंड्यूस हुआ है इंडक्शन के कारण, जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस किया वो है सिग्मा आई। तो वो क्या हो जाएगा? वन माइनस वन बाय के। जो क्यू इंड्यूस करेगा सिमिलरली, क्योंकि सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट लिखेंगे, है ना, क्यू नॉट वन माइनस वन बाय के बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये ऐसा बॉडी होता है जिसमें से कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाता है, जैसे दूर इंसुलेटर भी है, इंसुलेटर नहीं गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी एक सीन है ना, तो समझ गए। और ये के जस्ट लाइक एप्सिलॉन आर, मीडियम मीडियम की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, अब है हमारे पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रो स्टैटिक एनर्जी,
इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात पता है हमको, ये पता है सी बराबर होता है क्यू बाय वी। हम अगर किसी सिस्टम पे चार्ज देंगे उस कारण से, सॉरी हाँ, उस किसी सिस्टम पे अगर चार्ज देंगे उस पर वोल्टेज आ जाएगा, है ना। जैसे सपोज करो, अच्छा पहले इसका यूनिट वगैरह लिख लेते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? कूलम्ब पर वोल्ट। देखो कूलम्ब पर वोल्ट, इसी बोलते हैं फैराड, है ना, फैराड। और जनरल जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन होता है? माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। म्यू एफ लिखते हैं बेसिकली माइनस में 6 फैराड के बराबर होता है। माइक्रो को हम लोग पढ़े थे ये बात, है ना, ये सब बात हमको पता है। इसके पूछेगा कि डायमेंशन बता दो, है ना, तो डायमेंशन बता दो क्या हो लिखोगे? कूलम्ब के लिए क्या लिखेंगे? कूलम्ब पर वोल्ट, है ना था, तो कूलम्ब के लिए क्या लिखेंगे? आई टी, याद है। और वोल्ट क्या होता है? देखो अभी अभी बताएं कि यू जो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो था, या चलो ठीक है चेंज इन वोल्टेज जो था, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू था, और ये तो जूल है, ये कूलम्ब है, है ना। तो बेसिकली ये हो गया जूल पर कूलम्ब, है ना। तो जूल के लिए यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ऊपर में, और जूल के लिए क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। तो अगर सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ रहा है एम इनवर्स एल माइनस टू आई स्क्वायर टी पावर माइनस में 4। ये बन गया डायमेंशन इसका। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अब बात समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सपोज करो कि अगर हम ये एक कंडक्टर ले लिए, है ना, इस पे अगर हम बैटरी लगा करके अगर हम इसको चार्ज करना स्टार्ट करें, है ना, बैटरी लगा कर मान लो 10 वोल्ट का बैटरी दे दिए, है ना, यहाँ से ये अर्थ कर रही है, इसको बोलते हैं अर्थिंग, अर्थ कर दिए, तो इस पर क्या हो जाएगा? कुछ चार्ज आएगा, क्यों आएगा? हाँ बड़का डेल्टा वाला इसके ऐड कर दिए यहाँ पर से, इस पर कुछ चार्ज क्यों आ गया? अगर हम 20 वोल्ट कर देंगे उससे कुछ और चार्ज आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो रहा है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगा है सी। सी जस्ट लाइक अ बर्तन, तो क्यू बराबर हो गया सी भी। आगे समझ में, ठीक है। तो यही है, 2-3 फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हमको समझ में आना चाहिए। देखो पंखा चलता है, पंखा जो इनिशियल धक्का दे रहा है तो वो कैपेसिटर है ना। ये छोटा छोटा बात, जैसे कैमरा है, कैमरा में जो फ्लैश है ना, तो वो जो कैमरा में जो फ्लैश मारता है तगड़ा वाला जो लाइट निकलता है वो सब कैपेसिटर के कारण होता है। बात समझ, जहाँ पर कोई इंस्टेंट हमको एनर्जी चाहिए तगड़ा वाला, वो कैपेसिटर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर है, हम उसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो देखो ये क्या कहना चाहता है इस सवाल में। सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, यही है ना, कंडक्टर के सरफेस पर ही ना चार्ज होता है, ये बात तो हमको पता है। कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है, इस पर रेडियस मान लेते हैं आर है, इस पर चार्ज हमने क्यू दे दिया, इस चक्कर में वोल्टेज आएगा। वोल्टेज कितना होगा याद है? 1/4πε0 के क्यू बाय आर, है ना, के हो गया क्यू बाय आर, पढ़े थे ना। सी क्या होता है? कैपेसिटेंस क्यू बाय वी होता है, तो क्यू तक तो ठीक है ठाक है, वी की जगह पे लिख लो 1/4πε0 और क्यू बाय आर, है ना, तो क्यू से क्यू कट गया। देखो तो सी का वैल्यू क्या बचा? 4πε0r बच रहा है क्या? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है याद रखना है, 4πε0r होता है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी बात हमको पता है, और बहुत ही खटारा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, कैपेसिटर होने वाला है, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये बात तो हमको पता है, खटारा मतलब सबसे कम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, तो दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे है, इसका प्लेट एरिया ए हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस डी हो गया, तो इसके यहां पर प्लस में चार्ज आ जाएगा, यहां पर माइनस में चार्ज आएगा, तो इस कारण से यहां पर जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A/0/d, पता ही होगा इतना तो बात, ठीक है। और अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, इसके बीच में एक मीडियम फिल कर दें, ठीक है, के वाला, तो अब जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा Ka/0/d, याद रखना चाहिए। तो कैपेसिटेंस जो डायलेक्ट्रिक फिल करते ही कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस सी विद डायलेक्ट्रिक जो आएगा वो के टाइम्स ऑफ सी विद एयर आएगा, ठीक है, के गुना बढ़ जाता है यहां पर। बात समझ में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात कर रही है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या हो गया? ये, ठीक है,
और ये, अंदर का रेडियस मान लेते हैं ए है, बाहर का रेडियस बी मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा बड़ा फोटो बना दें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बड़ा ही बना देते हैं, तुम लोग भी क्या बोलोगे, है ना, ये ले लिए ऐसे, ठीक है। और अंदर में हम लाल लाल स्फीयर लगा देते हैं ऐसे करके, अब अच्छा लगेगा। ये रेडियस ये मान लेते हैं, इसको हम करते हैं बी, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया, इसको हमने क्यू लगा दिया प्लस में। अब सोच के देखो, ये प्लस अगर हो चुका है यहाँ पर, तो प्लस कारण यहाँ पर अंदर में इंड्यूस करेगा उतना ही माइनस आर, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये सारा ही चीज़ कंडक्टर के बारे में पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस में क्यू चार्ज आ जाएगा, तो इस प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाएगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाय बी माइनस में ए, ठीक है, ए बी बाय बी माइनस में ए। जैसे यहाँ पर था ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, यहाँ पर जो ए बी बाय बी माइनस में, बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस घटा देंगे। अगर कहेगा डायलेक्ट्रिक के साथ, जैसे बीच भर दिया है कुछ, है ना, सी विद डायलेक्ट्रिक, क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाय बी माइनस में ए हो जाएगा। बस के से खाली मल्टीप्लाई करना था, बस समझ में, ठीक है। अब कह रहे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, पता है यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर होता है, पढ़ा है ना, हाफ सी बी का स्क्वायर, इतना पता होना चाहिए। और हमको पता है कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय भी, तो सी की जगह वो भी पुट कर लेंगे, तो यू बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2 सी के बराबर। कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक सभी पढ़े हैं, है ना। अच्छा, एक दो और एग्जाम्पल ले ही लेते, अगर इतना बात सीख ही लिए हो तो, है ना। मान लो कि अगर हमारे पास डायलेक्ट्रिक ऐसे कर दिया, ये है के वन, ये है के टू, भर दिया ऐसे, तो इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, हमारे पास कर सकते हैं दो कैपेसिटर है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक के वन वाला और एक के टू वाला, इसको सी वन बोले, इसको सी टू बोल देते। तो सी वन कितना होगा बता दो, के वन ए एप्सिलॉन जीरो बाय, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा अगर डी था तो आधा आधा डी, तो डी बाय टू, बात समझ आया। सी टू क्या हो जाएगा, के टू ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी बाय टू, और दोनों क्योंकि सीरीज में है तो इसको कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाल लेंगे इसका, तो सी वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, यहाँ से पैरेलल कैपेसिटर, सॉरी सीरीज कैपेसिटर्स, सीरीज में रेजिस्टेंस उल्टा वाला लगता है यहाँ पर, ये बात पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से करके हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका, ये समझ आया। अगला देखो, कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक्स में अगला, कॉम्बिनेशन, अच्छा पहले कॉम्बिनेशन ही देख लेते हैं, बाद में उसको देखेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या है कहानी, दो ही चीज़ तो है, सीरीज और पैरल, एक है सी वन, दूसरा है सी टू, तीसरा है सी, है ना, सी वन सी टू सी थ्री, तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। और अगर यहीं पर पैरल होता तो तीनों ही कैपेसिटेंट जुट जाता है, सी वन सी टू और सी थ्री हो जाता है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी वन प्लस में सी टू प्लस में सी थ्री, बात समझ में आया। अगर हम इसी में कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से दे दिया हमको डायलेक्ट्रिक भर करके ऐसे, कि ये के वन और ये के टू है, तो क्या करेंगे इस सिस्टम को, तो हम इस सिस्टम को ऐसे बनाएंगे, हमारे पास दो कैपेसिटर ऊपर और नीचे, इसको हम कह देंगे के वन वाला, इसको कह देंगे के टू वाला, तो सी वन इक्वल टू के वन, इसका लेकिन एरिया आधा हो जाएगा ए बाय टू एप्सिलॉन जीरो बाय डी, और सी टू क्या हो जाएगा के टू, हड़बड़ करने के चक्कर में बर्बाद मत कर देना, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सी वन प्लस में सी टू, क्योंकि पैरेलल है तो जोड़ लेंगे, ठीक है, के वन ए एप्सिलॉन जीरो बाय टू डी और प्लस में के टू ए एप्सिलॉन जीरो बाय टू डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो ए एप्सिलॉन जीरो बाय टू डी बाहर आ गया, के वन प्लस में के टू, दैट्स आंसर, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका एरिया ए है, इसका डिस्टेंस डी है, है ना, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बता चुके थे वगैरह वगैरह, तो सोचिए देखो इसके अंदर में एनर्जी रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में एनर्जी रखा हुआ है। फोटो अच्छे से बना देते हैं कैपेसिटर का, ताकि एरिया वगैरह दिखे, तो पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है,
देखा गया पूरे वॉल्यूम में मल्टीपल ऐसे से घुस घुस करके होगा। तो एनर्जी डेंसिटी यू ई बोलते हैं इसको, तो क्या होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो यू बाय वॉल्यूम, यू कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, याद है एनर्जी होता है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू डी, याद है हाफ सी का क्या लिखोगे सी ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी, पढ़े थे ना, तो ये तो वी वोल्टेज है का स्क्वायर बाय ए डी, ए से ए खत्म हो गया। अच्छा वी वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है क्या, कह सकते हैं वी, देखो पीछे में हम बताए थे यहाँ से जो डेल्टा वी है वो डेल्टा आर ई डॉट डी आर के बराबर है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर हो गया है ना, यहाँ से तो हाफ एप्सिलॉन जीरो ये जो भी है उसके जगह पे लिख देंगे ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या इतना आ गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन जीरो ई का स्क्वायर। कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ जाना चाहिए, एकदम रटा हुआ फॉर्मूला रहना चाहिए सब चीज़ है ना, हाफ ऑफ एप्सिलॉन जीरो ई का स्क्वायर होता है। और फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये तो कमाल का है, इसको समझना है, ये प्लस है और यहां पर माइनस है, अगर हम यहां पर माइनस है यहां पर कह रहे हैं कि इस पर बता फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो हम सोचे कि इस बार छोटे से चार्ज मान लेते हैं यहां पर डी क्यू चार्ज मान लेते, इस पर चार्ज कितना मान लेते हैं डी क्यू, इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो हम कह देते हैं इस छोटे चार्ज को ये ऐसे खींच रहा होगा, कौन इसका चार्ज डी क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा होगा इस पर, ऐसे छोटा सा फोर्स डी एफ, तो डी एफ क्या हो जाएगा बोलो तो डी क्यू इंटू ई, और डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा जो ये वाला प्लेट लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक प्लेट लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, पढ़े थे ना ये बात सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो हो गया डी एफ, कोई दिक्कत है डी एफ, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर से डी क्यू क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू डी ए, और ये सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो है ही, देखो तो डी एफ बाय डी ए किसके बराबर हो गया, देखो तो सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन जीरो, और ये तो फोर्स बाय एरिया हो गया जी, तो प्रेशर हो गया नहीं हो गया, तो प्रेशर बराबर क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन जीरो, बेसिकली हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई सवाल, आई होप मामला खत्म है ना, सारे के सारे टॉपिक हमने इसके भी कवर कर डाले हैं, समझ में आया, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, बाय।